आजकल के लोगों को आड़मास के पुतले से प्रेम हो जाता है तो मम्मी पापा सबको छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं कि नहीं? बच्चे भागते हैं कि नहीं? मम्मी पापा कहे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, वो हमारे लेवल का, हमारे स्टेटस का नहीं है। बोले भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्टेटस, मैं तो चली अपने पिया की गली। हाँ जी कि ना जी? और धन्य हो इन फिल्मों वालों का, ये ऐसी ऐसी स्टोरी बना बना के बच्चों को दे देते हैं कि बच्चे वहां से सीख लेते हैं क्या करना और क्या नहीं करना, सब सीख जाते हैं हमारे बच्चे। तो उसने कहा मेरा भाग्य है कि मुझे आपका दर्शन हुआ। लेकिन उसने जो बड़ी बात कही जो हम सबको जीवन में याद रखना चाहिए, स्वर्ग के भी सारे सुख तराजू के एक पल्ले में रख दो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग के सारे सुख, हां धीरे बजाना ठंड है ना, और धीरे बजाओ और धीरे, और जिनको ठंड ज्यादा लग रही वो मत बजाना, नहीं तो आपके सॉफ्ट हाथ बेचारे जो माछ खाने में काम आते हैं ब्याग बेकार में ताली बजा के अपने हाथों की रेखा अच्छी कर लोगे, क्या मिलेगा तुमको? क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सो माय डियर, जो सुख, एक तो स्वर्ग के सारे सुख तराजू के एक पल्ले में रखो, और दूसरे तराजू के पल्ले में सत्संग का सुख रखो, तो भी स्वर्ग के सारे सुख तराजू में जो रखे हैं एक पल्ले में, वो सत्संग के सुखों की बराबरी नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे वाजीवा, क्या मतलब है? स्वर्ग के तो सुख जिसको पाने के लिए हम जिंदगी भर प्रयास करते हैं, स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, और यहाँ सत्संग में बैठकर आप कह रहे हो वो सुख की बराबरी नहीं है। कैसे नहीं है? बोले सुनो हम बताते हैं। स्वर्ग में चले गए अपने कर्मों के हिसाब से, और स्वर्ग में पहुंच गए तो वहां से वापस कब आओगे मालूम है कि नहीं? कब आओगे? जैसे ही आपका पुण्य कर्मों का अकाउंट शून्य हो जाएगा, जट वहां से आपको धक्का मार दिया जाएगा। बोले जाओ। अब कहां जाए? बोले गो टू, वहीं बोलो बोलो हेवन के बाद में जो है वहां जाओ। पर अब सुख तो यहां भोग लिए, अब दुख वहां भोगो। इतना ही नहीं, चलो बुरे कर्म नहीं भी किए होंगे तो पृथ्वी पे तो आना ही पड़ेगा। स्वर्ग का मतलब है एक 5-स्टार होटल जहां हर सुविधा है, जो तुम सोच नहीं सकते, हाई क्लास की सारी सुख सुविधा वहां है। लेकिन जितना पेमेंट तुम्हारी जेब में है उतने ही दिनों तक उस हाई क्लास के होटल में रह सकते हो, और जैसे ही तुम्हारा पेमेंट निल, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, देवता कहते थे निकलो यहां से। अब सत्संग में वहां तो भोगा, और भोगने के बाद बाहर भेज दिए, और बाहर भेजे तो क्या बनेंगे कोई पता नहीं। अब मानव बनकर गए, अच्छे कर्म किए, वहां जाके सुख मिले, अब उसके बाद सारे पुण्य नष्ट हो गए, फिर यहां धरती पे भेज दिया, उसके बाद हमें बिल्ली बनाए, बंदर बनाए, चेंटा बनाए, मक्खी बनाए, मच्छर बनाए, हाथी बनाए, घोड़ा बनाए, कुछ भी बना सकता है हमें नहीं पता। लेकिन सत्संग क्या करता है? अच्छा एक और बात बताएं, स्वर्ग में कोई ऐसा साधन नहीं है कि वहीं कमाएं और वहीं लगाएं। नहीं आई बात समझ में? स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम वहां सत्कर्म करते रहें तो वहां रहने का अवधि और बढ़ा लें। ऐसी कोई वहां व्यवस्था नहीं कि वहीं की वहीं बढ़ा लें हम। तो बोली वो व्यवस्था यही है सत्संग में। इसी सत्संग में वो सारी व्यवस्थाएं वहां की होती हैं कि तुम जितना सुनो, जितना करो, जितना अच्छा हो जाए तुम यहां कर लो, क्योंकि जितना कर लोगे वही तुम्हें ज्यादा दिन तक स्टे करवा देगा स्वर्ग में, और जितने ज्यादा अच्छे कर्म होंगे उतना ही वो स्वर्ग भेजने की व्यवस्था सत्संग में है। स्वर्ग भेजने की सारी व्यवस्था सत्संग में है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सत्संग में मन नहीं लगता।
बोले कब तक मन नहीं लगता है, बोले जब तक इन सब चीजों को समझ न ले तब तक सत्संग झूठा लगता है। जो चीज रावण की नगर रक्षक को समझ में आ गई कि जो आनंद सत्संग में है वो आनंद स्वर्ग में नहीं है, वो हम लोग अपने आप को अच्छा इंसान कहते हमें आज तक समझ में नहीं आती, वो चीज हमें समझ में नहीं आती। और उस लंकनी को समझ में आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि उन्हें हनुमान जी का दर्शन हो गया, हनुमान जी का संग मिल गया, तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि जो आनंद सत्संग में है वो आनंद स्वर्ग में नहीं है। क्योंकि सत्संग से स्वर्ग मिल सकता है पर स्वर्ग से सत्संग नहीं मिल सकता। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, धरिए तुला एक अंग तूल नताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जो सुख सत्संग में है, और यहीं तो हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। और कई लोग जो यहां नहीं आते वो भक्त बन जाते हैं। ये सत्संग की तो महिमा है, ये सत्संग की ही कृपा है। न जाने कितने लोग भगवान के दीवाने बन गए, यहीं पर बैठे हैं कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने भगवत नाम उच्चारण करके सब कुछ उल्टा सीधा छोड़ दिया, खाना पीना, और अब भगवान के दीवाने होके रात दिन भगवान के गीत गाते हैं। किस किस ने छोड़ा है, समझ रहे हैं ना मैं क्या पूछ रहा हूं, ये सब छोड़ छाड़ के बैठे। तो ये लोग कहें कि हम नहीं, कथा हमें कुछ नहीं देती, तो वो गलत है, क्योंकि तुमने लिया ही नहीं, तुम्हारी लेने की पात्रता ही नहीं थी। और जब तुम्हारी लेने की पात्रता नहीं थी तो जैसे मेघ बरसते हैं सबको जल देते हैं, वो तो बराबर बराबर बरसते हैं, वो तो गाड़ी पे भी बरसते हैं, वो तो मकान पे भी बरसते हैं, वो सड़क पे भी बरसते हैं, वो किसी पात्र के ऊपर भी बरसते हैं। तो जो पात्र अपना मुख ऊपर किए होता है उसमें जलाशय एकत्रित हो जा जल एकत्रित हो जाता है, और जो ऊपर नहीं किए मुँह अब छत पे गिरेगा तो बह के पानी नाली में ही जाएगा, सड़क पे गिरेगा तो नाली में ही जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। रुका उसी के मध्य में है जिसका मुख ऊपर है। मतलब बोले जो लेना चाहता है, जो एक्सेप्ट करना चाहता है, मिलता उसी को है।